हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज़ रसोई। और आज मैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं दाबेली की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं उसे नान के साथ बनाऊँगी और इसमें मैं फिलिंग दूँगी राजमा की और चिकन की। आप इसे वेज का भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मैं आपको दोनों ऑप्शंस इसमें दूँगी। तो इसके लिए हमने कुछ ऑलरेडी पहले से तैयारी करके रखी है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हम बना रहे हैं नान की दाबेली, ये एक कंप्लीट मील है। तो हमने यहाँ पे एक कप राजमा लिया था, जिसे हमने ओवरनाइट सोक करके रखा है। फिर हमने सुबह में इसे 1.5 कप्स ऑफ वाटर के साथ इसे बॉईल किया। एंड बॉईल करते वक्त मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया। आप देख सकते हैं राजमा इतना अच्छा बॉईल हुआ है कि वो फट चुका है। और इसमें जो भी एक्सेस वाटर था वो सब हमने ड्राई करके बस थोड़ा सा ही इसे हमने रखा है। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इसे मैश कर सकते एक मैशर, पोटैटो मैशर की वजह से के साथ, या फिर आप फोक से भी इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो ये मैश करके हम उसे साइड में रखते हैं। ये बीन्स को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, या आपकी चॉइस है। अगर आपको उसको कम्प्लीटली मैश करना है या आप उसको चंकी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस डालूंगी। मैं यहाँ पे टोबैस्को सॉस यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत ही स्पाइसी है। अगर आपके पास ये नहीं तो आप ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, या ग्रीन चिली पेस्ट मिला दें। ये जो बीन्स हमने इसे मैश किया है, ये मेक्सिको में बहुत ही फेमस डिश है। इसे रीफ्राइड बीन्स भी कहा जाता है। ये राजमा के साथ बनता है या कभी ब्लैक बीन्स के साथ भी बनता है। एंड स्पेन में भी ये काफ़ी फेमस है, वहाँ पे इसे रेफ्रेटोस कहा जाता है। तो ये हम सॉस मिलाने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देते हैं। चलते हैं अभी हम दूसरे प्रिपरेशन की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नान को ऑलरेडी अच्छे से सेक के रखा है। तो कोई भी आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे एक नान ले रही हूँ और उसे हम अच्छे से एक साइड पे तेल लगा के उसे वो साइड को अच्छे से हम सेक लेंगे। 2 मिनट हुई है इसको सेकते हुए, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये सीखे गए हैं। इसी तरह से हमें उसे सामने से भी अच्छी तरह से सेकना है। सामने की साइड पे अभी हमने तेल डाला है और अब इस नान को फ्लिप करके उसे फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेक लेंगे। हमें नान को इतना सेकना है कि वो क्रिस्पी और क्रस्टी हो जाए। ये देखिए अभी हमारे सारे के सारे नान रेडी हो गए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से दोनों तरफ से सीखे गए हैं। अब हम चलते हैं स्टफिंग की ओर। तो यहाँ पे मेरे पास 150 ग्राम्स ऑफ चिकन है, जिसे मैंने बॉईल किया है। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। और इस पैन में मीडियम फ्लेम पे मैंने 2 टेबलस्पून का ऑयल डाला है। और इसमें हम एक छोटे साइज़ का प्याज डालेंगे। आप फाइनली चॉप कर सकते हैं या आप मेरी तरह लंबाई में भी डाल सकते हैं इसे। इस तरह से हमें इस प्याज़ों को ज़रा पकाना नहीं है, डायरेक्ट हम उसमें अभी चिकन ऐड करेंगे और उसे इतना पकाएंगे कि ये एकदम भुन जाए। यहाँ पे हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तो अब बारी आती है इसमें मसाले ऐड करने की। तो हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ये दोनों 1/4 टीस्पून ईच का लिया है। फिर हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट है, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये सब 1/2 टीस्पून ईच है। ये हम इस पे मिलाएंगे। आप इस पॉइंट पे इसे नमक और मिर्चें चेक कर सकते हैं और इसमें और भी मसाले अपने चॉइस के ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें दाबेली मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है। मसाले हमारे जो है वो बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं और अब इसमें मैं 1/4 कप टोमेटो प्यूरी का डालूंगी। ये मेरा होममेड है, आपको इसका लिंक वीडियो पर मिल जाएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं टोमेटो प्यूरी हमारी बहुत ही अच्छे से इसमें भुन गई है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए। तो यहाँ पे मैंने बस 2 टेबलस्पून कैप्सिकम ली हूँ। आप इसके जगह पे हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं या स्प्रिंग अनियंस ऐड कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है और 1/2 टीस्पून विनेगर का डाला है। एक बार इसे मिक्स कर लीजिए और फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ केचप, टोमेटो केचप डाल के इसे एक फाइनल मिक्स करके मैं इसे एक अलग से बाउल में निकाल दूंगी। तो अभी हम दाबेली की असेंबलिंग करते हैं। तो अगर आप सिर्फ वेजीज़ के साथ बना रहे हैं तो आप ये चिकन का जो स्टेप हमने किया है उसे टोटली ओमिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस दाबेली को किस तरह से असेंबल करना है। जो नान है उसका बॉटम साइड हम यूज़ करेंगे। बॉटम साइड पे हम जो रीफ्राइड बीन्स का पेस्ट रेडी किया था हम उसे डालेंगे।
और आप जेनरसली 2 या 3 टेबलस्पून जितना आप ले सकते हैं और उसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। मुझे ये रेसिपी बहुत ही पसंद है क्योंकि मेरे बच्चों को राजमा पसंद नहीं है और ये एक बेस्ट तरीका है मेरे बच्चों को राजमा खिलाने का और वो खुशी खुशी खा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसे काफ़ी अच्छी तरह जेनरसली इसे स्प्रेड कर रही हूँ और इसी तरह आप दूसरे भी नान के बॉटम साइड पे आप इसे रेडी करके रखेंगे। दोनों जो नान के लेयर हैं हमने उस पर रीफ्राइड बीन्स का पेस्ट लगा दिया है। अब जो दूसरा स्टेप है चिकन का, हम वो इस पर स्प्रेड करेंगे। हर सैंडविच में हम 2 से 3 टेबलस्पून या आपकी मर्ज़ी हो ज़्यादा यूज़ करना है या कम यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हैं। उसे अच्छी तरह से पूरे के पूरे नान के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस पॉइंट पे आप पनीर ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर आप चीज़ के स्लाइसेस डाल सकते हैं। अब इस जो चिकन है उसके ऊपर मैं कुछ वेजीज की टॉपिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास लच्छे वाले प्याज है, मेरे पास जो भी लॉकडाउन में अवेलेबल था मैंने बस वही वेजीज यूज़ की हूँ। आप उबले हुए आलू यूज़ कर सकते हैं, लेट्यूस, टमेटो, एंडलेस वराइटीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। यू कैन बी वेरी क्रिएटिव। एंड मैंने यहाँ पे कैप्सिकम को राउंड काटा है और बस उसी के स्लाइसेस लगा रही हूँ मैं। अगर आप वेजी बना रहे हैं तो इस पॉइंट पे आप वेजिटेबल्स डालने के बाद हल्का सा दाबेली मसाला छिड़क दें या चाट मसाला छिड़क दें। अब जो दूसरा हमारा नान का स्लाइस है, अब हम उसे सैंडविच के ऊपर डालेंगे और उसे हल्के हाथों से दबा लेंगे ताकि ये जो हमारा सैंडविच के अंदर के फिलिंग्स है वो बाहर ना निकल जाए। और उसे हल्के हाथों से दबाना है, ज़्यादा उसे प्रेशर देना नहीं है। और इसी तरह से आप बाकी के जितने भी हमारे सैंडविचेस हैं वो सब बनाएंगे। पहुंच गए हम हमारे फाइनल स्टेज पे। तो यहाँ पर नॉनस्टिक पैन में मैंने 1/4 टीस्पून ऑफ तेल डाला है। तो जैसे बाज़ार की जो दाबेली होती है जो 1 या 2 बार फ्राई होके फिर हमारे प्लेटों में आती है, तो इसी तरह हम भी हमारे जो दाबेली है उसको भी हम फ्राई करेंगे और इसे कंटिन्यूसली मीडियम हाई फ्लेम पे ऐसे घुमाते हुए उसे रोस्ट करेंगे ताकि वो नीचे से इवनली क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। तो 2 से 3 सेकंड के बाद हम ये जो टॉप लेयर है उसके ऊपर हम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून आप ऑयल लेके या बटर लेके उसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। फिर एक स्पैटुला की मदद से हम इसे फ्लिप कर देंगे और इसी तरह से इसे घुमाते हुए हम उसे अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची कर लेंगे। और इसी तरह से आप बाकी के भी सैंडविचेस को रेडी कर दीजिए। हमारा एक सैंडविच रेडी हो चुका है तो मैं इसे अभी कट करूँगी। आप इसे टोटली एक पोर्शन या एक ऐसी नान दाबेली सर्व कर सकते हैं या आप उसे मेरी जैसे इस तरह से आप उसे काट के उसे पोर्शंस में सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके 4 टुकड़े कर लिए हैं, आप उसके 8 टुकड़े भी कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो नान दाबेली है वो एक कम्प्लीट मील है। आप इसे सर्व कर सकते हैं केचप या कोई भी आपकी मनपसंद चटनी के साथ और आप उसे सर्व कर सकते हैं ब्रंच या डिनर में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ये नान दाबेली है वो एब्सोल्युटली रेडी है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी है। एंड इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिए और आप मेरी जो ये रेसिपी है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।